देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं KTM ड्यूक 250 को होंडा CBR 250R से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो कंपैरिजन है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि CBR 250R एक फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक है और KTM ड्यूक 250 एक नेकेड सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक है। तो आज हम इन दोनों ही बाइक्स की ज़्यादा बुराइयां नहीं करेंगे, मेनली हम लुक्स, पावर और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। तो लुक्स के बारे में बात किया जाए तो CBR 250R अपने 250 cc के सेगमेंट की एक गुड लुकिंग और मस्कुलर बाइक है। मतलब जो डिज़ाइन एक 250 cc की बाइक में देना चाहिए वो इसमें दिया गया है। पुराने मॉडल के मुकाबले इस वाले मॉडल में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि न्यू ग्राफिक्स जो आपको कंप्लीट बाइक की बॉडी पर मिलता है, और इन्हीं ग्राफिक्स की वजह से बाइक काफ़ी सुंदर भी दिखती है। LED हेडलैम्प इसमें आपको मिलता है, बाकी और भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें किए गए हैं। KTM ड्यूक 250 के लुक्स के बारे में बात किया जाए तो भाई लोग, इस बाइक का लुक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर है 250 cc के सेगमेंट में। मान लीजिए आपके सामने CBR 250R है और ड्यूक 250 है, तो आप सभी का सबसे पहला अट्रैक्शन ड्यूक 250 की ओर जाएगा, क्योंकि पहली बार अगर आप CBR 250R को देखोगे तो ये उतना अट्रैक्शन नहीं दे पाती है। लेकिन जैसे ही आप ड्यूक 250 को देखोगे तो आपका दिल इस पर आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में KTM लवर्स सबसे ज़्यादा हैं और ये बाइक हर एंगल से स्पोर्टी दिखती है। आप फ्रंट से देख लीजिए, रेयर से देख लीजिए, लेफ्ट राइट, ये हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करने की पूरी कोशिश करती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बाइक को काफ़ी सुंदर लुक देता है, और नेकेड बाइक का जो स्पोर्टी पोर्शन होता है वो है टैंक, और इसमें आपको काफ़ी मस्कुलर टैंक मिलता है, और जो इसके एक्सटेंशन है वो एक आई कैची लुक्स देते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि CBR 250R और ड्यूक 250 में से आपको कौन सी बाइक का लुक सबसे ज़्यादा पसंद है। दोनों ही बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो जो CBR 250R की फाइबर फेयरिंग है वो काफ़ी बेस्ट और हार्ड क्वालिटी की है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाइक 2 से 3 बार गिर चुकी है, लेकिन फिर भी जो फाइबर है वो टूटा नहीं, फेयरिंग में ज़्यादा डैमेजेस नहीं आए, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रैचेस दिखाई दे रहे होंगे। और जो पार्ट इसका सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था वो है साइलेंसर, तो एग्जॉस्ट को देखकर आप पता लगा ही सकते हो कि बाइक कितनी बुरी तरीके से गिरी होगी। लेकिन यहाँ बिल्ड क्वालिटी ड्यूक 250 की काफ़ी पुअर है, क्योंकि ये बाइक सिर्फ एक ही बार गिरी थी और इसका जो लेफ्ट पोर्शन था वो पूरा डैमेज हो गया था, जो एक्सटेंशन था वो टूट चुका था, टैंक भी इसका दब गया था, और इन सभी चीज़ों को वापस से रिन्यू कराने में 10,000 रुपये का खर्चा आया था। वो इसलिए क्योंकि KTM फॉरेन कंट्री की बाइक है, इसलिए इसके पार्ट्स महंगे आते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में होंडा CBR 250R बेस्ट है। अगर वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में बात किया जाए तो मेरे हिसाब से इन दोनों में वाइब्रेशन नहीं है। दोनों ही बाइक्स का एरोडायनेमिकली बॉडी डिज़ाइन है, और दोनों ही बाइक्स को मैंने अराउंड 100 प्लस की स्पीड पर राइड किया है और मेरे को तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। लेकिन CBR 250R के ओनर ने हमको बताया कि जब उन्होंने 130 प्लस की स्पीड क्रॉस की थी तो उनका जो फ्रंट वाइजर है उसमें वाइब्रेशन फील हुआ था। तो हो सकता है कि तेज हवा के कारण वाइब्रेट हुआ हो, बाकी दोनों ही बाइक्स के जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी फ्रीली वर्क करते हैं, तो वाइब्रेशन का कोई इशू इन दोनों में आपको नहीं आएगा। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो CBR 250R में आपको कंप्लीट LED हेडलाइट सेटअप मिलता है। पुराने मॉडल में आपको हेलोजन बल्ब मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको LEDs इंस्टॉल कर दी है, जिसके कारण बाइक और भी ज़्यादा सुंदर और स्पोर्टी दिखती है, और पीछे आपको नॉर्मल बल्ब टेल लाइट मिलती है। KTM ड्यूक 250 में आपको सेंटर में हेलोजन बल्ब मिलता है और कॉर्नर्स पर आपको LED DRL मिलते हैं, जो बाइक को एक बीस्ट टाइप लुक देने में हेल्प कराते हैं, और इसमें पीछे आपको LED टेल लाइट
मिलती है। अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपकी हाइट के हिसाब से सही रहेगी। तो KTM ड्यूक 250 को कंफर्टेबल राइड करने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 5.4 फीट या उससे ज़्यादा, और अगर आपकी हाइट 5.4 फीट से कम रही तो आपके पैर ज़मीन को कुछ इस तरीके से छू पाएंगे। और CBR 250R को कंफर्टेबल राइड करने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट या उससे ज़्यादा, और अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम रही तो आपके पैर ज़मीन को कुछ इस तरीके से छू पाएंगे। तो दोनों ही बाइक्स में अराउंड 2 से 3 इंच का अंतर है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि मेनली हम हाइट से रिलेटेड डाउट 100cc और 150cc की बाइक में करते हैं, क्योंकि वो हमारे डेली यूजेस के लिए होती है। लेकिन अगर आप हायर सेगमेंट की बाइक ले रहे हो तो आप अपनी हाइट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो फिर आप कभी भी अपनी पसंद की बाइक नहीं ले पाओगे। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दें और अपनी पसंद की बाइक को बाय करें, जिससे आपको और भी खुशी होगी। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के दिल के बारे में, मतलब किस बाइक का इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो CBR 250R में आपको मिलता है 249.60cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जिसमें आपको 26.5 PS एट 8500 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 22.9 Nm एट 7000 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलते हैं। KTM ड्यूक 250 में आपको 248.8cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC फ्यूल इंजेक्शन लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जिसमें आपको 31.50 PS एट 9000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 24 Nm एट 7500 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स 6 मिलते हैं। तो यहाँ पर ड्यूक 250 का 5 bhp पावर ज़्यादा है CBR 250 के मुकाबले, तो ड्रैग रेस में आराम से ड्यूक 250 CBR 250 को हरा देगी। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो ड्यूक 250 से आप अराउंड 30 टू 33 तक का माइलेज गेन कर सकते हो, और CBR 250 से भी आप अराउंड सेम 30 टू 33 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और दूसरा ABS वेरिएंट। ड्यूक 250 स्टैंडर्ड मॉडल का प्राइस है 209,000 ऑन रोड दिल्ली, और ABS वेरिएंट का प्राइस है 227,000 ऑन रोड दिल्ली। CBR 250R स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस है 190,000 ऑन रोड दिल्ली, और ABS मॉडल का प्राइस है 221,000 ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों, अब जो बात मैं करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि CBR 250 में आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको ड्यूक 250 में मिलते हैं। जैसे कि ड्यूक 250 में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन CBR में नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसके कारण बाइक थोड़ी ओल्ड फैशन दिखती है। और ड्यूक 250 में आपको LED टेल लाइट मिलती है, लेकिन CBR 250 में आपको नॉर्मल बल्ब टेल लाइट मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी LED टेल लाइट के सामने थोड़ी सी पुअर है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको ड्यूक 250 में फुली डिजिटल मिलता है, जिसमें आपको ढेर सारे बेसिक इंडिकेटर्स और फीचर्स मिलते हैं, लेकिन CBR में वही पुराना वाला पार्ट एनालॉग और डिजिटल मीटर लगाया गया है, जिसमें आपको ड्यूक 250 के मुकाबले कम फीचर्स और बेसिक इंडिकेटर्स प्रोवाइड होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो CBR में बस लुक्स और ग्राफिक्स में ही चेंजेस किया गया है, और बाकी के जितने भी फीचर्स हैं सब के सब ओल्ड मॉडल के सिमिलर है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बाइक आज की जनरेशन के हिसाब से अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसमें उस हिसाब से फीचर्स देने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि KTM ड्यूक 250 2 लाख रुपीज़ के अंडर में काफ़ी बेस्ट फीचर वाली बाइक प्रोवाइड कराती है। दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इन दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो आप दोनों ही बाइक्स के वेरिएंट देख रहे हो वो नॉन ABS मॉडल हैं। इनके 2019 ABS वेरिएंट आ चुके हैं, तो आप अपने नियर बाय शोरूम पर कॉन्टैक्ट करके इनकी फर्दर डिटेल्स पता लगा सकते हो। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए
तो CBR 250R में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको प्रो लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। और दोस्तों WP सस्पेंशन काफ़ी फ्रीली वर्क करते हैं आम सस्पेंशन के मुकाबले, और WP सस्पेंशन थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में बात किया जाए तो ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में 110x70 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज, और पीछे आपको 150x60 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज। CBR 250R में आपको फ्रंट में 110x70 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज, और पीछे आपको 140x70 का टायर साइज मिलता है विथ 17 इंचेस व्हील साइज। सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ड्यूक 250 की सीट वेल कुशन नहीं है, काफ़ी हार्ड सीट इसमें आपको मिलती है। अगर आप सिटी राइडिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे में आपको पेनिंग शुरू हो जाए। लेकिन CBR में आपको यहाँ कोई भी सीट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको वेल कुशन सीट मिलती है और आप आराम से 2 से 3 घंटे बैठकर इस पर राइड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और इसमें आपको स्पेसफुल सीट भी मिलती है तो आप आराम से 3 लोग बैठकर भी राइड कर सकते हो। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी एक बाइक आप सभी के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर ड्यूक 250 हर चीज़ में आगे है CBR से। ड्यूक में आपको ज़्यादा पावर भी मिलती है तो राइडर्स के लिए बेस्ट बाइक है। लुक्स भी इसका काफ़ी स्पोर्टी और सुंदर है। ढेर सारे इसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको 2 लाख रुपये के अंदर बेस्ट सेफ्टी रिलेटेड बाइक मिलती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप KTM ड्यूक 250 और होंडा CBR 250 में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। अभी के लिए थैंक्स।